लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली आप सुबह से लेकर रात तक जो सोचते हो अपने अंदर ही अंदर, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं आपके बॉडी के लेवल में। इधर मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है? क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड, बट ये चीज़ एक्सटर्नली नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो खाना खुद चलकर मेरे पास आ जाए, तो आप 1,000 साल तक क्या 1,00,000 साल तक अगर सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, तब भी वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो वो बच्चा जो भूख से तड़प रहा है उसके पास खुद खाना चलकर आ जाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है। बट अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपने बॉडी के बेस पे, तो डेफिनेटली ये काम करता है। जैसे कि आप साइकोलॉजिकली जो सोचते हो वो आपके बॉडी पे मैनिफेस्ट होने लग जाता है, यानी आपके बॉडी पे इम्प्लीमेंट होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप बीमार हो जाओगे। अब बात है क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपके ब्रीथिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपके जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी होने लगेगा, जिससे आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी। तो ये पूरा का पूरा फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप ध्यान से दोबारा देखिए अगर समझ नहीं आया, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।